गुड इवनिंग दोस्तों, कंपटीशन रिजल्ट के इस वीडियो सेक्शन में अभी तक जो ग्रामर के डिस्क्रिप्शन दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज, अब उसके बाद उसको वहीं पर स्टॉप करके अब एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं आज से, प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस वीडियो। अब इस पर देखकर आप आगे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेम वही जो कि यहां बतला रहा हूं। एंड दैट्स ऑनली द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो इज प्रैक्टिस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये कॉम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है वो इस वीडियो का मतलब है, एक्चुअली इस टाइटल का मतलब भी है। सो आज के वीडियो में मैंने सेंटेंसेस पहले से लिए हैं हमेशा की तरह, और यहां पर करेक्ट और इनकरेक्ट ये दो सेक्शन कर दिए हैं। यहां पर करेक्ट सेंटेंस तो लिया है, और इनकरेक्ट कैसे होगा, इसमें सिर्फ एक ही चीज इनकरेक्ट होगी, वर्ब या फिर सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कुछ एक रॉन्ग होगा। तो वर्ब हमारा फंडामेंटल है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इनके बीच में कॉन्कर्ड यानी रिलेशन एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब रिलेशन वो एग्रीमेंट पर होना चाहिए। ये लेते हैं करेक्ट सेंटेंस से, और साथ साथ इनके फंडामेंटल्स नीचे दिए हुए हैं, पहले सेंटेंस से उठाऊंगा, इसके बाद आप देखते चलेंगे। सो पहला सेंटेंस है करेक्ट वन, जो करेक्ट है, द मिनिस्टर अलोंग विद द बॉडीगार्ड वाज किल्ड। मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लग गई वहां पर, इतने दूर जाके लगी। प्रीसीडिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का यहां पर कोई फंडामेंटल नहीं था, रूल ये है कि सिंगुलर नाउन यहां पर लग रहा है, सिंगुलर नाउन प्लस अलोंग विद प्लस सिंगुलर और प्लूरल नाउन दैट टेक्स सिंगुलर वर्ब। ये यहां पर देखिए, मिनिस्टर, द मिनिस्टर सिंगुलर नाउन, अलोंग विद एज सच एंड सिंगुलर प्लूरल नाउन, इनमें दोनों में से कोई हो सकता है, तो ये सिंगुलर है, बॉडीगार्ड वाज किल्ड, सो टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी टेक्स वाज किल्ड, इट टेक्स वाज किल्ड। सेकंड सेंटेंस इसी तरह, अब ये रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यहां पे क्या है, फर्स्ट प्लूरल ले लिया, तो रूल अभी इसके बाद सेंटेंस में बताऊंगा, द मिनिस्टर्स along with the bodyguard, तो along with आ गया, bodyguards दोनों plural हो गए, the ministers along with the bodyguards were killed, so plural noun ये हो गया ministers, plural noun plus along with ये हो गया plus singular or plural noun, ये singular or plural noun bodyguards, ये सब plural हो गया, so That will take plural verb, was killed होता तो गलत होता, ऊपर वाले सेंटेंस में were killed होता तो गलत होता, सेकंड वाले में was killed होता तो गलत होता, तो इनकरेक्ट वर्ब वहां पर ली हुई है और ये करेक्ट आ रही है, ग्रीन सेंटर लाइन की हुई है। थर्ड सेंटेंस, neither the government nor the people are aware of it, तो गवर्नमेंट एक यूनिट है सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल हो गया, नॉर द पीपल ये प्लूरल है, सो आर अवेयर ऑफ इट, दोनों में से कोई भी अवेयर नहीं, अगर इसको भी प्लूरल मान लेते हैं, गवर्नमेंट सिंगल यूनिट है, एक यूनिट हो गई प्लूरल की, लेकिन वो तो प्लूरल बाय नेम ही है, तो neither the government nor the people एक प्लूरल हो गया, are aware of it, इसमें preceding subject or object is plural, that's why only the verb is plural, it takes plural, so plural noun plus along with plus singular or plural noun takes plural verb, या तो इधर हो सकती plural है उधर हो सकती। third one, neither man's culture एक अकेला, ये कल्चर में बहुत सारी हैबिट्स हो सकती है, थॉट्स हो सकती है, लेकिन कल्चर एक यूनिट होती है, मेंस कल्चर नॉर हिज फैमिली,
फैमिली ये भी एक यूनिट हो गई, हालांकि प्लूरल है, इंटरनल प्लूरल है, हिज फैमिली इज टू ब्लेम, इसमें से किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, किसी को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, सो नाइदर मैन कल्चर नॉर हिज फैमिली इज टू ब्लेम, आर टू ब्लेम गलत है, ऐसे ऊपर वाले में इज अवेयर गलत है। इसके बाद ये दो सेंटेंसेस में आपस की स्वैपिंग है, अगले इससे इसमें बहुत वंडरफुल है, यहां ये वाला रूल लगता है प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, सो दिस सेंटेंस इज आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आ गया प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, सो वर्ब क्या होगी उसमें प्लूरल हो गई, ये फ्रेंड्स प्लूरल है, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, हैव लग गया है, हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस, पुलिस हैज इन्फॉर्म्ड, गलत होगा, गलत होगा। नेक्स्ट अब इसको उल्टा कर दिया, आइदर हिज फ्रेंड्स कर दिया, आइदर हिज फ्रेंड्स ये प्लूरल हो गया यहां पर, और जॉन ये सिंगुलर हो गया, तो ये वर्ब दैट विल फॉलो दैट हैज टू बी इन एग्रीमेंट विद द प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन, सो आइदर हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया और जॉन सिंगुलर हो गया, हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस, यहां हैज लग गया, तो उधर हैज गलत था, यहां हैव गलत है। तीन रूल्स हैं, वर्ब एग्रीज विद द प्रीसीडिंग सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, वर्ब एग्रीज, वर्ब आगे जो है वो एग्रीज द एग्रीज विद द प्रीसीडिंग पीछे आते हुए सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन, ये तीन रूल्स हैं, इन्हीं तीन रूल्स पर बेस्ड जाने कितने सेंटेंसेस होंगे, यू ऑट टू गो थ्रू इट, काफी सारी किताबें आपके पास होंगी ग्रामर की, और ज्यादातर बुक्स में पीछे अपेंडिक्स में, अपेंडिक्स या अपेंडिक्स के पहले आंसर सेक्शन होता है, उसमें सभी के चैप्टर वाइज आंसर होंगे, या तो आप ये करें कि पहले अपने गैस से पेंसिल से उन सेंटेंसेस पर फिलर्स लगा लें, करेक्ट क्या होगा इनकरेक्ट क्या होगा, या पहले आंसर देख लें और फिर उसको वहां पर करेक्ट आंसर को ला के फिर समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों है। आगे काफी सारे रूल्स आएंगे, अभी ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट पर था, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, तो देखते हैं आगे ये चलता है या कुछ दूसरा होता है, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो कुछ और तीसरी नई चीज आएगी इसमें, अभी तो ये दो ही हैं, दो रूल्स हैं, तीसरा भी आ सकता है, आगे देखेंगे, बस यही बताना था, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।